नमस्कार मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ बहुत ही खुश होंगे और पढ़ाई लिखाई कर ही रहे होंगे। देखो, जैसे जैसे एग्ज़ाम हमारा करीब आता है, ठीक है, वैसे वैसे तैयारी कम होने लगती है। जब हम क्या करते हैं, जब हम स्टार्ट करते हैं, जिस दिन जैसे कि आपने डिसाइड किया कि आज से मुझे नीट की प्रिपरेशन करनी है, उस दिन बहुत जोश में 10 घंटे 12 घंटे पढ़ लेते हैं, फिर अगले दिन 1 घंटे भी नहीं पढ़ते। तो ये बहुत ही गलत बात है। तो अगर ऐसा करोगे तो बच्चे सिलेक्शन नहीं होता, ठीक है। हमें कंसिस्टेंसी बनाए रखनी होती है कि आज 5 घंटे पढ़े, कल 5 घंटे पढ़े, इस तरीके से थोड़ा थोड़ा धीरे धीरे करके इंक्रीज होता है। और हाँ, कभी भी ऐसा कोई गोल डिसाइड ना करें जो आप अचीव नहीं कर सकते, ठीक है। हमेशा एक्चुअली आप मान लीजिए कोई गोल सेट किए, ठीक है, आप छोटा सा गोल तो अचीव कर नहीं पा रहे हो, तो कोई बड़ा गोल नहीं कर पाओगे ना, ऑब्वियस है। तो इसलिए अपने जो डेली डेली के गोल्स हैं, नीट आपने गोल सेट किया वो किया, अब आपके जो डेली के गोल्स हैं, ये नहीं कि एक दिन में 20 घंटे पढ़ना है, एक दिन में हमें 1 घंटे ही पढ़ना है, ठीक है। लेकिन पढ़ना है किसी भी हालत में। अगर आपसे कुछ से प्रॉमिस किए हैं तो आपको वो चीज़ तो बच्चे पूरी करनी ही चाहिए, किसी भी हालत में, चाहे आंधी आए, तूफान आए, कुछ भी आए, वो 1 घंटे आपको पढ़ने ही हैं। तो जिस दिन जितना खुद से डिसाइड करें, या आप डिटर्मिनेशन पावर जितनी भी आपकी स्ट्रांग होगी, उस हिसाब से आप अपना डेली का गोल डिसाइड करेंगे कि आज 5 घंटे पढ़ना है या 4 घंटे पढ़ना है, और उतना तो पढ़ना ही है, ठीक है। लेकिन जितना खुद से वादा करें उसको हर हालत में पूरा करें। तो बच्चे, हमारा स्टैटिक फ्लूड तो कंप्लीट हो चुका है। अब हम बात करने वाले हैं किस चीज़ की, फ्लूड डायनेमिक्स की। अभी तक हमने देखा कि कंटेनर के रिस्पेक्ट में फ्लूड क्या होता था, रेस्ट में होता था। यहाँ कंटेनर तो रेस्ट में होगा, यानी अगर आप ऐसे कोई पाइप है, ये तो आपका रेस्ट में है, ठीक है, ये तो आपका रेस्ट में है, बट इसमें फ्लूड ऐसे फ्लो कर रहा है, ठीक है, फ्लूड ऐसे फ्लो कर रहा है, इसको बच्चे हम फ्लूड डायनेमिक्स बोलते हैं, या फ्लो ऑफ द फ्लूड, ठीक है। अब हम स्टैटिक फ्लूड से आगे बढ़ के अब किसकी बात करेंगे, फ्लूड डायनेमिक्स की। आई बात समझ में, कि ये आपका ऐसे कोई पाइप है, पाइप है, उसमें ऐसे फ्लूड ऐसे फ्लो कर रहा है, ठीक है। पाइप नहीं फ्लो कर रही है, पाइप ऐसे रेस्ट में है, ठीक है, जैसे इंजन वगैरह में होता है, टोटी वगैरह में, उस तरीके से। तो आइए देखते हैं फ्लूड मैकेनिक्स, फ्लूड डायनेमिक्स की बात करते हैं। देखिए, सबसे पहले अगर बच्चे हम फ्लूड डायनेमिक्स की बात करें, फ्लूड डायनेमिक्स, तो इसमें बच्चे आपका जो फ्लो देखेंगे, आपको भी पता है फ्लूड डायनेमिक्स का मतलब, फ्लो क्या करेगा, फ्लूड करेगा, फ्लो ऑफ फ्लूड, ठीक है। अब फ्लूड कौन सा होगा, हमने शुरू में ही बात करी थी, जो भी चीजें हम करेंगे बच्चे आइडियल फ्लूड के लिए कर रहे हैं, तो फ्लूड विल बी आइडियल, ठीक है। फ्लो ऑफ आइडियल फ्लूड हम पढ़ने जा रहे हैं कि किसी भी पाइप में, या किसी भी आपका कोई पाइपलाइन है, उसमें जब फ्लूड फ्लो करता है तो किस तरीके से, उसमें क्या क्या चीज़ें उसके साथ होती हैं, फ्लो ऑफ फ्लूड। और फ्लूड कौन सा होगा, आइडियल होगा। अच्छा, आइडियल फ्लूड की मैंने कंडीशन बताई थी, अगर आपको याद हो, सबसे पहले तो बात, सबसे पहले कंडीशन थी कि ये इनकम्प्रेसिबल होगा, यानी आप इसको कंप्रेस नहीं कर सकते, कंप्रेस नहीं कर सकते, यानी आप उसका वॉल्यूम चेंज नहीं कर सकते, वॉल्यूम चेंज नहीं कर सकते तो डेंसिटी चेंज नहीं कर सकते, क्योंकि मास तो कांस्टेंट ही है, ठीक है। तो पहला जो आइडियल फ्लूड होता है बच्चे, आइडियल फ्लूड की प्रॉपर्टी है क्या, हमने शुरुआत में, चैप्टर के शुरुआत में ही ये चीज़ बात की थी कि आइडियल फ्लूड इज इनकम्प्रेसिबल, ठीक है, यानी वॉल्यूम, डेंसिटी, एवरीथिंग विल रिमेन कॉन्स्टेंट, ठीक है। ये चीज़ भी बताई थी क्यों होगी कॉन्स्टेंट, ठीक है, क्योंकि बच्चे देखिए, अगर कंप्रेस नहीं कर सकते, अगर इनकम्प्रेसिबल फ्लूड है, यानी कंप्रेस नहीं किया जा सकता, तो आप उसको वॉल्यूम तो कम कर नहीं सकते। मास होता है क्या, मास आपको पता है, मास अपॉन वॉल्यूम होता है, ठीक है। अगर वॉल्यूम कॉन्स्टेंट है, ये कांस्टेंट, तो डेंसिटी ऑटोमेटिकली कांस्टेंट हो जाएगी, ठीक है। इसलिए मैं बोलता हूँ कि वॉल्यूम और डेंसिटी विल कांस्टेंट इन इनकम्प्रेसिबल फ्लूड, ठीक है। अब बच्चे हम बात करते हैं, दूसरा क्या कंडीशन था, याद करिए थोड़ा सा, दूसरा जो कंडीशन था कि इट विल बी नॉन विस्कस, नॉन विस्कस। अब नॉन विस्कस का क्या बताया था, नॉन विस्कस का मतलब बताया था जो फ्लूड होता है बच्चे, उसकी दो जो लेयर होती है उनके बीच कोई भी टेंजेंशियल फोर्स नहीं होगा। नॉन विस्कस का मतलब कि जैसे दो फ्लूड है, फ्लूड में दो लेयर होंगी, ठीक है, उनके बीच कोई भी टेंजेंशियल फोर्स नहीं होता, नॉर्मल वगैरह हो सकता है, लेकिन कोई टेंजेंशियल फोर्स नहीं होगा। नॉन विस्कस का मतलब नो टेंजेंशियल फोर्स, यही, इसी को बच्चे हम अगर रिलेट करें तो सॉलिड में जो फ्रिक्शन काम करता है, वही फ्लूड में विस्कोसिटी होती है, यानी नो टेंजेंशियल, नो टेंजेंशियल फोर्स बिटवीन लेयर्स,
ठीक है, बताया था कि ऐसे ऐसे मान लीजिए फ्लूड है, ठीक है, उसमें बहुत सारी लेयर होंगी, तो किन्हीं दो लेयर के बीच, किन्हीं दो लेयर के बीच जो टेंजेंशियल फोर्स होता है दैट विल बी जीरो, यानी कोई फ्रिक्शन, फ्रिक्शन तो नहीं बोल सकते यहाँ, विस्कोसिटी बोलते हैं उसको, नो विस्कोसिटी, ठीक है। तो आपका नॉन विस्कस फ्लूड होता है और क्या हो जाएगा आपका, इनकम्प्रेसिबल। और एक चीज़ हम यहाँ पर कंसीडर करते हैं कि इट विल बी नॉन रोटेशनल, यानी ये ओमेगा से ऐसे रोटेट नहीं कर रहा होगा फ्लूड, फ्लूड ऐसे फ्लो कर रहा होगा बच्चे, रोटेट नहीं कर रहा होगा, ठीक है। तो एक और प्रॉपर्टी यहाँ पर आएगी, दैट इज नॉन रोटेटिंग, यानी ये रोटेट नहीं कर रहा है, बस फ्लो कर रहा है, ठीक है। नॉन रोटेटिंग यानी ओमेगा विल बी जीरो, रोटेट नहीं कर रहा है, ठीक है। तो ये बच्चे तीन चीज़ आपको याद रखनी है, इनकम्प्रेसिबल, नॉन विस्कस एंड नॉन रोटेटिंग, ठीक है। तो ये तो हुई बच्चे आइडल फ्लूड की बात। अब इसमें फ्लो, फ्लो करेगा फ्लूड क्या करता है बच्चे, फ्लो करता है, ठीक है। फ्लूड यहाँ पर हम फ्लो की बात कर रहे हैं, जो हमारा पहला फ्लो का टाइप है दैट इज स्ट्रीमलाइन फ्लो, या उसी को हम स्टेडी फ्लो बोलते हैं, ठीक है। क्या है फ्लो ऑफ फ्लूड हम पढ़ रहे हैं, डायनेमिक्स की बात कर रहे हैं, तो फ्लो ऑफ फ्लूड में जो पहला टाइप है दैट इज स्टेडी, स्टेडी, या उसी को बच्चे दूसरा नाम है स्ट्रीमलाइन, स्ट्रीमलाइन फ्लो। अब ये क्या होता है, ठीक है, ये बच्चे होता है कि अगर मान लीजिए ऐसी कोई पाइप है, ठीक है, इस तरीके से कोई पाइप है, ठीक। अगर ये पॉइंट ए मान लूँ मैं, ये पॉइंट ए मान लूँ, ये पॉइंट बी मान लूँ, ठीक है। तो इस पॉइंट पर सपोज किसी टाइम पर, एट एनी टाइम टी, किसी जो यहाँ से फ्लूड पास हो रहा है, ध्यान से सुनिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है स्टेडी और स्ट्रीमलाइन फ्लो क्या होता है। मान लीजिए इसमें फ्लूड फ्लो कर रहा है, मैंने इसमें, इस फ्लूड में दो पॉइंट लिए, ठीक है, कोई भी पॉइंट लिए, पॉइंट ए पॉइंट बी। अगर किसी टाइम पर, किसी टाइम टी इज इक्वल टू जीरो पर यहाँ से जो फ्लूड पास हो रहा है, अगर उसकी वेलोसिटी वी वन है, ठीक है, और यहाँ से जो फ्लूड पास हो रहा है उसकी वेलोसिटी वी टू है, ठीक है, तो क्या होता है कि अगर मान लीजिए एक अल्फा फ्लूड आया, ठीक है, ध्यान से सुनेगा, मान लीजिए एक अल्फा फ्लूड था, पार्टिकल बोल रहा हूँ, एक बीटा फ्लूड था और एक गामा फ्लूड था, ठीक है। जब अल्फा फ्लूड बच्चे इस पॉइंट से पास होगा तो उसकी वेलोसिटी वी वन होगी, वही अल्फा फ्लूड जब यहाँ से पास होगा तो उसकी वेलोसिटी वी टू होगी, ठीक है। पार्टिकल की बात हो रही है, एक अल्फा फ्लूड आया, देखिए फ्लूड ऐसे फ्लो करेगा, मान लीजिए उसमें एक पार्टिकल था अल्फा, यहाँ आया तो उसकी वेलोसिटी वी वन, यहाँ पहुँचा तो उसकी वेलोसिटी वी टू। दूसरा फ्लूड बीटा आया, जब बच्चे बीटा फ्लूड यहाँ पर पहुँचेगा तो उसकी वेलोसिटी वी वन होगी, और वही बीटा जब यहाँ पहुँचेगा तो उसकी वेलोसिटी वी टू होगी। गामा फ्लूड जब यहाँ पहुँचेगा इस पॉइंट ए पर तो उसकी वेलोसिटी वी वन, और जब वही गामा फ्लूड यहाँ पर पहुँचेगा तो उसकी वेलोसिटी वी टू। यानी स्ट्रीमलाइन फ्लो में आप ये बोल सकते हैं स्टेडी फ्लो में कि किसी स्पेस में किसी पॉइंट पर वेलोसिटी ऑफ द फ्लूड क्या, फिर से सुनिएगा, आप अगर कोई भी पॉइंट लेते हैं स्पेस में, किसी भी पॉइंट पर, स्पेस में मैंने दो पॉइंट लिए, तो किसी भी पॉइंट पे इन स्पेस वेलोसिटी ऑफ मॉलिक्यूल, वेलोसिटी ऑफ मॉलिक्यूल ऑफ फ्लूड डज नॉट चेंज विद टाइम, ठीक है। फिर से सुनिएगा, एट एनी पॉइंट वेलोसिटी ऑफ मॉलिक्यूल ऑफ फ्लूड डज नॉट चेंज विद टाइम। तो यही आपका स्ट्रीमलाइन फ्लो है। क्या डिफिनेशन, वेलोसिटी ऑफ मॉलिक्यूल, वेलोसिटी ऑफ मॉलिक्यूल ऑफ फ्लूड एट एनी पॉइंट वेलोसिटी ऑफ मॉलिक्यूल ऑफ फ्लूड एट एनी पॉइंट इन स्पेस, ठीक है। आप कोई भी पॉइंट चूज कर सकते हैं, ठीक है। इसी तरीके से अगर मैं यहाँ पर पॉइंट सी ले लूँ, ठीक है, और वहाँ पर वेलोसिटी वी थ्री दे दूँ, ठीक है, तो अल्फा यहाँ से पास होगा तो वी थ्री, और बीटा यहाँ से पास होगा तो क्या हो जाएगा उसका भी वी थ्री, फिर गामा पास होगा इस पॉइंट से तो उसका भी वी थ्री। तो एट एनी पॉइंट इन स्पेस यानी वेलोसिटी ऑफ मॉलिक्यूल, वेलोसिटी ऑफ मॉलिक्यूल ऑफ फ्लूड एट एनी पॉइंट, कोई भी पॉइंट ले लीजिए, एट एनी पॉइंट इन स्पेस डज नॉट चेंज विथ टाइम, डज नॉट चेंज विथ टाइम, यानी इट विल रिमेन कॉन्स्टेंट। दूसरे शब्दों में बोले कि एट एनी पॉइंट इन स्पेस वेलोसिटी ऑफ मॉलिक्यूल ऑफ फ्लूड इज कॉन्स्टेंट विथ टाइम, ठीक है। फिर से सुनिएगा, एट एनी पॉइंट इन स्पेस वेलोसिटी ऑफ मॉलिक्यूल ऑफ फ्लूड डज नॉट चेंज विथ टाइम और इट इज कॉन्स्टेंट, ठीक है। कोई भी हम पॉइंट ले लिए स्पेस में, वहाँ पर अगर ये स्ट्रीमलाइन फ्लो है, कौन सी कंडीशन, स्ट्रीमलाइन फ्लो में ही होता है, हर फ्लो में नहीं होता, क्यों, स्ट्रीमलाइन फ्लो में, स्ट्रीमलाइन फ्लो में होता है किसी भी पॉइंट पर जो आपका फ्लूड है उसके मॉलिक्यूल की वेलोसिटी डज नॉट चेंज विद टाइम। तो ये आपका बच्चे स्ट्रीमलाइन फ्लो हो गया, ठीक है। आप इतना नोट कर लें, फिर हम आगे चलते हैं, नोट डाउन। चलिए बच्चों आगे चलते हैं, अब बात करते हैं हम इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी की, इसको मैं हटा रहा हूँ।
देखिए बच्चे, इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी जो है आपका, इक्वेशन ऑफ, ठीक, ये क्या है, मान लीजिए इसका अगर आप सिंपल सा याद रखना चाहें तो आप ये ऐसे याद रखेंगे कि अगर कोई फ्लूड है, ठीक है, ऐसे कोई फ्लूड फ्लो कर रहा है, ठीक, ये आपका फ्लूड यहाँ फ्लो कर रहा है, यहाँ पर मान लीजिए इसकी वेलोसिटी है वी वन और एरिया जो है दैट इज ए वन, ठीक, यहाँ से जो फ्लूड निकल रहा है उसकी वेलोसिटी है वी टू एंड एरिया हेयर इज ए टू, ठीक है, इसमें फ्लूड बच्चे ऐसे ऐसे फ्लो कर रहा है, ठीक, इस तरीके से फ्लूड इसमें फ्लो कर रहा है। तो लॉ ऑफ कंटिन्यूटी बोलता है कि ए वन वी वन इज इक्वल टू ए टू वी टू होता है, ठीक है, ये आपको याद रखना है, ए वन वी वन इज इक्वल टू ए टू वी टू, या फिर आप इसको दूसरे शब्दों में बोलना चाहें तो ए वी इज कॉन्स्टेंट, जैसे पी वी इज इक्वल टू क्या, पी वी इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट बोलते हैं, तो पी वन वी वन इज इक्वल टू पी टू वी टू, इसी तरीके से यहाँ भी है, वी क्या है, वी है स्पीड, इस पॉइंट पर वेलोसिटी और ए टू है क्रॉस सेक्शनल एरिया, ठीक, कॉन्स्टेंट। या फिर आप ये भी बोल सकते हैं कि वेलोसिटी इज यूनिवर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया, यानी जहाँ पर बच्चे एरिया जितना ज़्यादा होगा स्पीड उतनी कम होगी, तो ये ध्यान रखिएगा, अगर यहाँ का एरिया ज़्यादा है तो स्पीड कम हो जाएगी, जैसे आपने देखा होगा जो पाइप होता है जो लगा के सींचते हैं, मतलब बागबानी करते हैं, तो जैसे मान लीजिए जैसे नॉर्मल आप उसको पकड़े हैं, पानी ऐसे फ्लो कर रहा है, ठीक है, ऐसे ऐसे कुछ 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 फ्लो कर रहा है, लेकिन अगर मैं उसको पाइप को थोड़ा सा दबा दूं, यानी उसके एरिया को कम कर दूं, तो इसकी ये और दूर जाके गिरने लगता है। क्यों और दूर जाके गिरने लगता है, अगर उसके पाइप को अगर मान लीजिए ऐसे सींच रहा हूं, नॉर्मल मैंने दबाया नहीं है, पानी आके यहां गिरा, ठीक है, मैंने दबा दिया, यानी एरिया कम कर दिया उसके मुँह का, तो वो अब जाके थोड़ा दूर गिरेगा, किसी के ऊपर गिराना हो तो ऐसे हम क्या करते हैं, ऐसे दबा देते हैं, ठीक है, यानी एरिया जब कम हो जाता है तो स्पीड बढ़ जाती है और वो दूर जाके गिरता है, ठीक, तो ये आपको ध्यान रखना, जहाँ एरिया कम वहाँ पर स्पीड ज़्यादा, ठीक। अब मान लीजिए, सुनिए ध्यान से, अब इसका अगर प्रूफ करना चाहे, मान लीजिए कि अगर ये V1 से जा रहा है, V1 से आ रहा है, तो ये जो फ्लूड यहाँ पर V1 से इंटर किया बच्चे, डेल्टा टी टाइम में V1.dt, यानी dt टाइम में कितना ट्रैवल करेगा, V1.dt में इतना ट्रैवल कर लेगा, ये चीज़ आपको समझ में आई। अगर बच्चे मान लीजिए, अगर मान लीजिए इसका स्पीड V1 है, तो बहुत छोटे से टाइम की बात करो तो ये v1.dt में यहाँ तक ट्रैवल करके पहुँच जाएगा, और यहाँ पर जो फ्लूड है v2, ये v2 जो है ये dt टाइम में यहाँ से मॉलिक्यूल इसके बाहर आ जाएंगे, और वो कितने dt टाइम में कितने बाहर आ जाएंगे, लेंथ की बात करो, अगर स्पीड v2 है तो v2 into dt, ठीक है, यानी उस dt टाइम में ये कितने बाहर आ गए, यानी जो यहाँ से चले, जो यहाँ से बच्चे इतना आगे आए dt टाइम में, अगर आप ध्यान से सुने, देखिए यहाँ पर स्पीड v1 है, तो वेरी स्मॉल टाइम में जो डिस्टेंस ट्रैवल करेंगे डैट विल बी v1.dt, उसी स्मॉल टाइम में अगर इसकी स्पीड v2 है तो v2.dt चलेंगे, ठीक है, ये चीज़ समझ में आई। अब हमें पता है, हमें पता है बच्चे फ्लूड क्या होता है, ये आइडियल फ्लूड है, और आइडियल फ्लूड इनकम्प्रेसिबल होता है, इनकम्प्रेसिबल होता है, ये अगर बच्चे dt चल रहे हैं, तो अगर इसके वॉल्यूम की बात करूँ, अगर यहाँ पर वॉल्यूम की बात करूँ, तो वॉल्यूम क्या होता है, एरिया इंटू लेंथ, कितना लेंथ ट्रैवल किया, v1 dt, और एरिया इज a1, तो यहाँ का जो वॉल्यूम होगा दैट विल बी a1 v1 dt, ठीक, यहाँ का जो वॉल्यूम होगा, इतने का वॉल्यूम कितना हो जाएगा बच्चे, यहाँ पर लेंथ इंटू एरिया, यहाँ पर एरिया a2 है, एरिया a2 है, लेंथ कितना ट्रैवल किया है v2 dt, ठीक है, यानी यहाँ से इतना वॉल्यूम इंटर कर रहा है और इतना वॉल्यूम बाहर आ रहा है। अब इसी में अगर मैं डेंसिटी से मल्टीप्लाई कर दूँ, डेंसिटी से यहाँ पर भी मल्टीप्लाई कर दिया, यहाँ से भी, क्योंकि डेंसिटी तो सेम फ्लूड है तो सेम ही होगी, तो ये जितना मास इंटर किया बच्चे dt टाइम में, कितना मास यहाँ से इंटर कर रहा है, यहाँ से इतना इंटर कर रहा है और यहाँ से इतना निकल रहा है, और मास कंजर्वेशन के हिसाब से हमें पता है कि जैसे अगर कोई नली है, एक आदमी डालूंगा तो दूसरी तरफ से एक ही आदमी तो निकलेगा, दो आदमी तो निकल नहीं जाएंगे, ठीक है, अनलेस एंड अनटिल अंदर कोई ऐसा कुछ कांड ना हो जाए, तो एक आदमी जैसे डालूंगा, अगर एक आदमी अगर मैंने डाला तो वहाँ से एक आदमी निकलेगा, अंदर एक आदमी, मान लीजिए दो आदमी डाल दिए, दो व्यक्तियों को डाल दिया, तो बाहर से दो ही निकलेंगे, यानी जितना मास यहाँ से डालूंगा बाहर से उतना ही मास बाहर आएगा, तो मैंने यहाँ से कितना मास डाला, ये हमने इतना मास डाला, ठीक है, इतना मास डाला, ठीक है, अगर हमने यहाँ से इतना मास डाला तो यहाँ से ये बच्चे इतना मास ही बाहर आना चाहिए, क्योंकि मास को ना तो हम क्रिएट कर सकते हैं ना तो डिस्ट्रॉय कर सकते हैं, ठीक है, तो जितना मास यहाँ से इंटर किया उतना मास ही बाहर आया। मास क्या होता है, वॉल्यूम इंटू डेंसिटी, तो डेंसिटी ये हुआ, वॉल्यूम ये हुआ, यानी इतना वॉल्यूम इंटर किया इतना वॉल्यूम बाहर आया। अब अगर मैं इन दोनों को इक्वेट कर दूँ तो a1 v1 dt इंटू रो इज इक्वल टू a2 v2 dt इंटू रो, इससे ये कट जाएगा और यहाँ से आ जाएगा a1 v1 इज इक्वल टू a2 v2,
ठीक है। ये बच्चे छोटा सा प्रूफ था, प्यारा सा, आप खुद से भी कर सकते हैं, यानी जितना मास इंटर किया उतना मास बाहर आना चाहिए। मास होता है डेंसिटी इंटू वॉल्यूम, वॉल्यूम देखा डी टी टाइम में, अगर एरिया ए वन है और ये वी वन डी टी ट्रेवल करेगा, यानी डिस्टेंस इंटू एरिया विल बी वॉल्यूम इंटू डेंसिटी मास हो जाएगा आपका। सिंपल है, बहुत ही सिंपल है, इस डेरिवेशन को आप खुद से भी कर सकते थे, ठीक है। अब इसी पर अगर मैं एक क्वेश्चन आपको कराना चाहूँ तो इसको मुझे हटाना पड़ेगा, ठीक है। आप इसको एक बार नोट कर लें फिर मैं हटा दूँ, ठीक है। हटा रहा हूँ मैं, ए वन वी वन इज इक्वल टू ए टू वी टू, याद रखिएगा। अब मान लीजिए ऐसा कोई पाइप है, ये क्या है आपको याद होगा, ऐसा किस चीज़ का शेप होता है, भोपू का, ठीक है भोपू। देखो ये अगर एरिया ए वन है और यहाँ से अगर स्पीड वी वन है, इंटर किया, ये एरिया ए टू है, सॉरी ये ए टू यहाँ पर एरिया है और स्पीड है वी टू, ठीक। वी वन की वैल्यू दे दिया 10 मीटर पर सेकेंड और एरिया यहाँ पर दे दिया बच्चे 10 मीटर स्क्वायर, यहाँ का एरिया मैंने दे दिया कितना, यहाँ का एरिया लिख दिया मैंने 100 मीटर स्क्वायर, यहाँ का स्पीड आप बताइए, ठीक है। आपको इवन वी वन डायरेक्ट लिख के नहीं देगा, बस दे देगा 10 मीटर पर सेकेंड यहाँ पर स्पीड है, एरिया यहाँ का इतना है, यहाँ का एरिया अगर इतना है तो स्पीड कितनी होगी पूछ लेगा, तो आपको इवन वी वन में खुद से मानना पड़ेगा, ठीक है। तो मुझे मैंने क्या किया, आप इसको एक बार खुद से ट्राई कर लें, बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है, ठीक है। ये तो हो ही जाना चाहिए, ए वन कितना है, ए वन इज 10, वी वन इज 10, ए टू कितना है बच्चे, ए टू है आपका 100 और वी टू यहाँ है, ये 100 कटा, वी टू इज इक्वल टू 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। आपको एक चीज़ मीटर पर सेकेंड की बोला, ठीक है। देखिए एक चीज़ यहाँ हमको समझ में आती है बच्चे, कि जैसे जैसे आपका यहाँ अगर आप ध्यान दें तो यहाँ से क्या हुआ, यहाँ पर बच्चे आपका एरिया ज़्यादा हुआ तो स्पीड क्या हो गई, स्पीड यहाँ पर कम हो गई, कितनी हो गई, 1 मीटर पर सेकेंड। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है, इसको नोट कर लें, फिर हम अगला क्वेश्चन लेते हैं, नोट डाउन, टेक योर टाइम। चलिए बच्चों आगे चलते हैं, देखिए एक और अच्छा सा क्वेश्चन लेते हैं, प्यारा सा, इसको मैं हटा दूँ, ठीक है एक मिनट। ठीक है, देखिए एक क्वेश्चन है, मान लीजिए ऐसा कोई आपका ठीक इस शेप का है, ठीक है, यहाँ पर जो फ्लूड फ्लो कर रहा है, ठीक है, यहाँ पर जो फ्लूड, इसके जो डायमीटर है दैट इज 2 mm, ठीक है, और जो इसकी डायमीटर है बच्चे यहाँ पर दैट इज 8 mm, ठीक है, ये डायमीटर दे रहा हूँ, ठीक है डायमीटर, और यहाँ पर जो डायमीटर है दैट इज d2 2 mm, ठीक। यहाँ पर जो फ्लूड है, यहाँ पर जो फ्लूड है उसकी स्पीड है सपोज 0.25 मीटर पर सेकेंड, ठीक। आपसे बोला जो यहाँ से फ्लूड निकल रहा है वो कितना दूर जाके गिरेगा अगर इसकी जो ऊंचाई है दैट इज 1.25 मीटर। आपको भी पता है जैसे हम क्या पाइप से ऐसे मारते हैं किसी पर पानी तो ऐसे निकलता है, ठीक है, कुछ दूर जाके ऐसे ऐसे यहाँ से पानी निकलेगा गिरेगा। अब आपको बताना है कि ये रेंज कितनी होगी, ठीक है। इसमें देखिए दोनों चीज़ का यूज कर लिया, इसमें काइनेटिक्स का भी यूज हो गया, फ्लूइड मैकेनिक्स का भी यूज हो गया, इसी तरीके से बहुत प्यारा सा क्वेश्चन है, सिंपल सा है। देखिए यहाँ से अगर देखूँ यहाँ डायमीटर इतना है यहाँ पर इतना है, तो सबसे पहले अगर मैं यहाँ पर मुझे स्पीड पता चल जाए v2 जो कि मुझे नहीं पता, अगर यहाँ से स्पीड पता चल जाए तो ये रेंज भी आ जाएगी। उसके लिए क्या करेंगे, हमें पता है a1 v1 = a2 v2, सेम यही है। अब a क्या होता है, एरिया होता है, एरिया होता है बच्चे पाई d1 square by 4 हो जाएगा, d/2 होता है पाई r square, r की जगह d/2 रखेंगे तो इतना हो जाएगा v1, और यहाँ से ये हो जाएगा पाई d2 square by 4 into v2, ठीक। ये कट 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 कट, ठीक है, यहाँ से d1 की अगर हम बात करें तो यहाँ से v2 हमें निकालना है, तो v2 विल बी d1 by d2 का स्क्वायर into v1, ठीक है। अच्छा d1 कितना है, d1 इज 8, d2 कितना है 2, तो 8/2 का स्क्वायर, into v1 कितना है, v1 इज 0.25 को 1/4 भी लिख सकते हैं, ठीक है। ये हो जाएगा 4 square into 1/4, यानी 4, यानी आपका जो v2 आया यहाँ पर जो स्पीड होगी दैट विल बी 4 meter per second, ठीक है 4 meter per second। अब आपको याद होगा कि अगर बच्चे अगर कोई चीज़ ऐसे स्पीड यहाँ से 4 meter per second से गिर रही है तो ये जो आपका रेंज आता है जो
रेंज आता है, ठीक है, यहाँ से स्पीड हमें पता चल गई है, ये जो रेंज होता है ना, ये होता है ये किस डायरेक्शन में, दिस इज इन हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन यानी एक्स डायरेक्शन, यानी यू एक्स इन टू टी, यानी रेंज क्या आ जाएगी, ये जो रेंज होगी हमें पता है कि हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में कोई ना कोई कोई भी एक्सेलरेशन नहीं है, ठीक है, केवल और केवल 4 मीटर पर सेकंड की स्पीड है, तो 4 इंटू टी कर दिया, टी क्या होगा, जितना ये नीचे आने में टाइम लेगा, और अगर ये हाइट 1.25 मीटर है, 1.25 मीटर है, तो हमें पता है फार्मूले से कि अगर वर्टिकल डायरेक्शन में वेलोसिटी में जीरो देख रहा हूँ, वर्टिकल डायरेक्शन में वेलोसिटी में जीरो देख रहा हूँ, तो वर्टिकल डायरेक्शन को अगर मैं लिखूँ हाफ, ये जीरो है, तो हाफ जी टी स्क्वायर लिख सकता हूँ, बिल्कुल लिख सकता हूँ, क्यों, क्योंकि यू वाई इंटू टी करता हूँ, वर्टिकल डायरेक्शन की अगर मैं बात करूँ तो वर्टिकल डायरेक्शन इनिशियल वेलोसिटी जीरो है, अगर मैं लिख भी दूँ यू वाई इंटू टी, तो सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन से ये यू वाई हो जाएगा जीरो, और यहाँ इतना बचेगा, और वाई कितना है, वाई इज 1.25, तो आइए देखते हैं थोड़ा सा और, बहुत लेंदी नहीं हो रहा, ठीक है, सिंपल सा क्वेश्चन है, थोड़ा सा अच्छे क्वेश्चन का हम अगर अटेम्प्ट करेंगे तभी तो एग्जाम में सिंपल सिंपल क्वेश्चन कर पाएंगे। हाफ जी की वैल्यू 10, टी स्क्वायर हो गया, ठीक है, ये गया यहाँ 2.5 हुआ बाई 10 यानी टी स्क्वायर हुआ, और यहाँ से अगर मैं देखूँ तो 25 बाई 100 हो गया इज इक्वल टू टी स्क्वायर, और यहाँ से जो टी आया मुझे, टी विल भी कितना, ये हो जाएगा 1/4 यानी 1/2, यानी टाइम विल भी 1/2 सेकेंड, तो रेंज कितनी हो जाएगी बच्चे, रेंज विल भी यू एक्स इंटू टी, एक्स डायरेक्शन में इनिशियल वेलोसिटी कितनी है, दैट इज 4 इंटू टाइम इज 1/2, यानी रेंज विल भी 2 मीटर, ठीक, सिंपल सा क्वेश्चन था, इसको नोट कर लें, फिर हम आगे चलते हैं, नोट डाउन, चलिए बच्चों आगे चलते हैं। देखिए अब नेक्स्ट है हमारा बच्चे बर्नौलीज थ्योरम, ठीक है, बहुत ही फेमस थ्योरम है, आपने सुना भी होगा बर्नौलीज थ्योरम, ठीक है, तो ये आपको याद रखना है एक फार्मूला, इसमें क्या, मान लीजिए ऐसा कोई आपका इस तरीके से है, ठीक है, यहाँ पर एक मिनट थोड़ा सा और प्यारा सा डायग्राम बना दूँ, मान लीजिए ऐसा है, ठीक है, और ये ऐसा हुआ यहाँ, इसमें फ्लूड फ्लो कर रहा है, ठीक है, ये टंकी है बच्चे, इसमें फ्लूड फ्लो कर रहा है, यहाँ का जो एरिया है दैट इज़ A2, ठीक है, एरिया इज़ A2, ठीक, और आप क्या करेंगे, एरिया अगर A2 है, ठीक है, स्पीड यहाँ पर मान लीजिए V2 है, यानी V2 से निकल रहा है, ठीक है, डेंसिटी है इस लिक्विड की रो, ठीक है, ठीक, यहाँ पर जो प्रेशर है, प्रेशर प्रेशर इज P2, प्रेशर इज P2, और यहाँ अगर किसी रेफरेंस लाइन, किसी चीज़ को रेफरेंस लाइन मानूँ मैं, किसी चीज़ को रेफरेंस लाइन मानूँ, तो इस पॉइंट की जो हाइट है दैट इज H1, ठीक, और इस वाले पॉइंट की हाइट है, ठीक है, इस वाले पॉइंट की जो हाइट है दैट इज H2, ठीक है, एक मिनट इसको थोड़ा सा आप अच्छे से और बना लें, इस वाले पॉइंट की हाइट H1 है, ठीक है, सेंटर से मेजर करेंगे हम यहाँ से यहाँ तक, और इसके सेंटर की जो हाइट है दैट इज H2, ठीक है, ये चीज़ समझ में आ गई होगी, यहाँ से यहाँ पर एरिया A1 है, यहाँ पर जो फ्लूड अंदर जा रहा है दैट इज V1 स्पीड से, तो V1 लिख लीजिए, डेंसिटी और ये सब सेम है, यहाँ पर प्रेशर P1 है, ठीक है, यहाँ तक आई थिंक कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब इसमें अगर हम बर्नौली थ्योरम की बात करें तो बर्नौली थ्योरम बोलता है बच्चे कि यहाँ का P1 होता है बच्चे प्रेशर एनर्जी डेंसिटी, प्रेशर एनर्जी डेंसिटी होता है P1 प्लस हाफ रो V1 स्क्वायर प्लस रो जी H1 विल बी इक्वल टू यहाँ का सब कुछ, यहाँ का प्रेशर P2 प्लस हाफ रो V2 स्क्वायर यानी कि स्पीड, ठीक है, प्लस रो जी H2, ठीक है, ये चीज़ आपको ध्यान रखना है, ये होता है बच्चे एनर्जी डेंसिटी, ये होता है आपका P1, क्या होता है P1 इज प्रेशर एनर्जी डेंसिटी, प्रेशर एनर्जी डेंसिटी, ठीक, ये क्या होता है हाफ रो वी वन स्क्वायर होता है बच्चे आपका, ठीक है, रो वी वन स्क्वायर, एक मिनट इसको थोड़ा सा और, ये होता है बच्चे आपका काइनेटिक एनर्जी डेंसिटी, काइनेटिक
एनर्जी डेंसिटी, ठीक है, और ये जो रो जी एच वन होता है दिस इज पोटेंशियल एनर्जी डेंसिटी, ठीक है, ये होता है बच्चे एनर्जी डेंसिटी। तो आपको ये ध्यान रखना है, पोटेंशियल एनर्जी डेंसिटी, ठीक। अब इसी को जैसे है A1 B1 is equal to A2 V2 को AB is equal to constant लिख दिया था, उसी तरीके से बच्चे यहां पर ठीक है, तो बच्चे इसमें जो चीजें हैं बस इस तरीके से, जैसे वहां पर हमने लिखा था, क्या हमने लिखा था कि A1 V1 is equal to A2 V2 था, तो वहां AB is equal to constant। इसी तरीके से यहां अगर आप देखें तो वन इस साइड है, टू इस साइड है, ठीक है, तो आप क्या लिखेंगे, आप लिखेंगे तो यहां आप लिख लेंगे कि P प्लस हाफ रो वी स्क्वायर, ये प्रेशर है, ये डेंसिटी है, ठीक है, ये डेंसिटी है, तो ये ध्यान रखिएगा, प्लस रो जी एच विल बी कांस्टेंट, विल बी कांस्टेंट, ये बात आई थिंक समझ में आ गई होगी सिंपली, ठीक है, सिंपल सी चीज़ ही है, ये आपको ध्यान रखना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट फार्मूला है। बच्चे कोई भी क्वेश्चन आ जाए आपको एक ये फार्मूला और ये फार्मूला पार उतार देगा, ठीक है, यही दो फार्मूले जनरली न्यूमेरिकल्स में यूज होते हैं। आपका कोई भी क्वेश्चन मिल जाए ये लगा दीजिए, ये लगा दीजिए, सारा आंसर आके आपके सामने आ जाएगा। अब इसी में बच्चे कभी कभी प्रेशर हेड की बात होती है कि प्रेशर हेड क्या है, आपका काइनेटिक एनर्जी का हेड क्या है, ठीक है, तो उसके लिए देखते हैं, इतना पहले आप नोट कर लें फिर हम आगे की बात करते हैं, नोट डाउन, ठीक है, तो आइए देखते हैं। अब देखिए बच्चे इसमें कभी कभी बच्चों के कन्फ्यूजन होता है कि जैसे आपकी पोटेंशियल एनर्जी है, ठीक है, पोटेंशियल एनर्जी डेंसिटी है, तो ये अगर किसी कोई आपसे इसकी डायमेंशन पूछ ले तो डायमेंशन क्या करेंगे, ये है बच्चे एनर्जी डेंसिटी, यानी जूल पर मीटर क्यूब, यानी क्या एनर्जी डेंसिटी का मतलब होता है एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम, तो इसकी जो बच्चे आपकी यूनिट आएगी या फिर जो डायमेंशन होगी इस टर्म में होगी। अब हम एक चीज़ और बात करने वाले हैं कि आपका प्रेशर हेड वगैरह क्या होता है। देखिए जैसे आपने अभी अभी पढ़ा ये क्या था, ये था प्रेशर एनर्जी डेंसिटी, ये क्या है, ये है बच्चे आपका काइनेटिक एनर्जी डेंसिटी, और ये क्या है, इट इज पोटेंशियल एनर्जी डेंसिटी एंड इट इज कांस्टेंट, ठीक है। अब हेड की बात कर रही है तो आपको ऐसे याद रखना है कि यहाँ हेड बचाना है यानी एच बचाना है, ठीक है, तो दोनों साइड ये बच्चे रोजी से डिवाइड कर देते हैं, रोजी से यहाँ किया, रोजी से यहाँ किया, कैसे आप याद रखेंगे, बच्चे भूल जाते हैं तो आपको बस ये याद रखना है रोजी एच था हेड में, यहाँ पर प्लस एच बचता है केवल, तो रोजी से डिवाइड करना पड़ेगा, ठीक है, ये रोजी से इसको भी कर दिया, रोजी से इसको भी कर दिया, इस रो से ये कटा, इस रोजी से ये कटा, और यहाँ बचा पी बाई रोजी प्लस वी स्क्वायर बाई टू जी प्लस एच विल बी कॉन्स्टेंट, ठीक है, अगेन कॉन्स्टेंट, ये तो रो कांस्टेंट है, ये जी भी कांस्टेंट है, तो इट विल बी कांस्टेंट, इसको बच्चे हम बोलते हैं प्रेशर हेड, क्या बोल देंगे, इसको बोल देंगे प्रेशर हेड, ठीक है। अगर बच्चे इसको हम प्रेशर हेड बोलते हैं और इसको इसको काइनेटिक हेड, काइनेटिक हेड, और इसको क्या बोलेंगे, इसको बोलेंगे आप पोटेंशियल हेड, ठीक है, क्योंकि पोटेंशियल एनर्जी वाले से आया तो पोटेंशियल हेड, ये काइनेटिक एनर्जी से वाले से आया तो काइनेटिक हेड, और ये प्रेशर वाले से आया तो प्रेशर हेड, ठीक है, इस तरीके से बोलेंगे। और आपको याद रखना है कि हेड की जब भी बात हो तो हमें एच बचाना है और रोजी से डिवाइड कर देना है, ठीक है, ठीक है, तो आप ये फार्मूला बच्चे याद रखेंगे जब भी हेड के टर्म में बोले। और हाँ एक चीज़ और, इसकी जो डायमेंशन होती है, डायमेंशन इज हाइट, ठीक है, हाइट की डायमेंशन होती है, ठीक है, आप इसको नोट कर लें फिर हम आगे चलते हैं, डायमेंशन इसकी हाइट ही होती है। चलिए बच्चों आगे चलते हैं। देखिए अब इसमें बच्चे डाउट आता है कि ये जो हाफ रो वी स्क्वायर वगैरह है ये सब है क्या, ठीक है, मैंने आपको तो बताया है कि क्या है, ठीक है, अब इसका थोड़ा सा हम देख लेते हैं कि इसमें क्या, और थोड़ा सा डिटेल में बातचीत करते हैं।
देखिए बर्नौली थ्योरम तो हमने पढ़ लिया, ठीक है। अब हम बात करते हैं कि पी वन क्या है इसमें और हाफ रो वी स्क्वायर क्या है और रो जी एच क्या है, ठीक। मान लीजिए ऐसा, अगर हम बात करें कि मान लीजिए ऐसा कोई इसमें फ्लूड फ्लो कर रहा है, ठीक है, इस तरीके से फ्लूड फ्लो कर रहा है, क्रॉस सेक्शन एरिया है बच्चे ए, ठीक है, क्रॉस सेक्शन एरिया ए है। तो अगर इसमें किसी ऐसे बहुत लंबा सा है, ठीक है, किसी पर्टिकुलर पॉइंट की अगर मैं बात करूँ, मान लीजिए यहाँ पर प्रेशर पी है, ठीक है, प्रेशर है पी। अब अगर इसका क्रॉस सेक्शन एरिया ए है और ये इसको डिस्प्लेस कर रहा है, कितना फोर्स लगाएगा यहाँ पर? अगर आप इमेजिन करिए कि अगर ये फ्लूड का मैं कोई पॉइंट लूँ जहाँ पर प्रेशर पी है और क्रॉस सेक्शन एरिया ए है, तो अपने आगे वाले फ्लूड पर इतना फोर्स लगाएगा। और मान लीजिए वो फोर्स इतना लगाकर इसने इसको dx डिस्प्लेस किया, कितना dx डिस्प्लेस किया, तो वर्क डन बाई प्रेशर फोर्स कितना होगा? आप खुद से सोचिए। मान लीजिए यहाँ फ्लूड का मैंने, इसमें फ्लूड ऐसे फ्लो कर रहा था, ठीक है, इस तरीके से फ्लूड फ्लो कर रहा है, ठीक है, किसी पर्टिकुलर पॉइंट पर प्रेशर इसमें पी होगा और वहाँ पर एरिया अगर ए है तो फोर्स कितना होगा? पी इंटू ए। और उस फोर्स के कारण ये कितना डिस्प्लेस हुआ? डीएक्स। तो वर्क डन बाई प्रेशर विल बी फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, ठीक है, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। अब यही इसी को हम बच्चे बोलते हैं प्रेशर एनर्जी, प्रेशर एनर्जी, ठीक। अब इसी को प्रेशर एनर्जी बोलते हैं और वही पर यूनिट वॉल्यूम अगर प्रेशर एनर्जी पी ए डी एक्स, ठीक है, पी ए डी एक्स हुआ। अब इसी को अगर पर यूनिट वॉल्यूम की बात करें तो वॉल्यूम कितना है, इसने कितना डिस्प्लेस किया है? वॉल्यूम होता है बच्चे एरिया इंटू लेंथ, तो यहाँ का इतने का वॉल्यूम कितना है? ए इंटू डी एक्स। तो ए डॉट डी एक्स हो गया, वॉल्यूम ए डॉट डी एक्स हुआ, इससे ये कटा और यहाँ ये आया। तो इससे हमें ये पता चला जो प्रेशर एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम या प्रेशर एनर्जी डेंसिटी होती है बच्चे, दैट इज़ ओनली प्रेशर। यानी कई बच्चे कन्फ्यूज होते हैं कि प्रेशर एनर्जी डेंसिटी प्रेशर के बराबर कैसे हो गई। तो आई बात समझ में, प्रेशर एनर्जी डेंसिटी जो होती है बच्चे, प्रेशर एनर्जी डेंसिटी या प्रेशर एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम सेम चीज़ है और ये प्रेशर के बराबर होती है इन मैग्नीट्यूड, ठीक। अब अगर हम काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम की बात करें, काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम क्या हो जाएगा? हाफ एम वी स्क्वायर बाई वॉल्यूम, वॉल्यूम, ठीक है, वाई वॉल्यूम, कैपिटल वी इज ऑलवेज वॉल्यूम, ठीक है। तो यहाँ से अगर हम बात करें तो ऑलवेज नहीं, मैं यहाँ मतलब बता रहा हूँ, ठीक है, तो एम बाई वी क्या हो जाएगा? मास अपॉन वॉल्यूम इंटू स्पीड स्क्वायर। मास अपॉन वॉल्यूम क्या हो जाएगा? डेंसिटी हो जाएगा, तो हाफ रो वी स्क्वायर हो गया। यानी काइनेटिक एनर्जी डेंसिटी या काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम हमारा बच्चे हाफ रो वी स्क्वायर आता है। उसी तरीके से पोटेंशियल एनर्जी की भी बात करते हैं। देखिए, ठीक, पोटेंशियल एनर्जी कितनी होती है? पोटेंशियल एनर्जी इज आवर mgh, ठीक है, पोटेंशियल एनर्जी mgh होती है, ये सबको पता है, ठीक। अब पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम की अगर मैं बात करूं, पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम बाय वॉल्यूम से डिवाइड किया, अब मास अपॉन वॉल्यूम इंटू gh, इट विल बी रो gh, ठीक है। तो आई बात समझ में, रो जी एच, हाफ रो बी स्क्वायर और आपका पी क्या है, ये सब क्या है बच्चे, ये सब क्या है बताइए? ये है प्रेशर है बच्चे आपका, प्रेशर एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम या प्रेशर एनर्जी डेंसिटी भी बोलते हैं। हाफ रो बी स्क्वायर इज काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम या काइनेटिक एनर्जी डेंसिटी, और ये रो जी एच इज योर पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम, ठीक है। तो बच्चे आज के लिए इतना ही, आगे के लेक्चर में हम इससे और की बातें करेंगे। तब तक के लिए जितना भी चीज़ें पढ़ाई गई हैं उसको अच्छे से रिवाइज करें, इस पर बेस्ड जो भी फार्मूले या प्रीवियस ईयर पेपर मिले उसके क्वेश्चन को सॉल्व करिए। और आई एम श्योर कि अगर आप इसको ध्यान से सुने होंगे तो क्वेश्चन जो भी आपका प्रीवियस ईयर में आया होगा उसको बहुत ही ईजिली चुटकियों में सॉल्व कर पाएंगे, ठीक है। तो इसको नोट कर लें। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।